हेलो फ्रेंड्स, सो आज एक हम एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे, डेट इज डायबिटिक डायरिया। होता क्या है, जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है और उसको डायरिया होना स्टार्ट हो जाए, तो एज अ जीपी जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो उन पेशेंट्स को एंटी डायरियल मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है और उससे उनका डायरिया ठीक भी नहीं होगा। होता क्या है, यूजली जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं एक स्टेज आती है जब उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं करता है और उन पेशेंट में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है। और हमें पता है जो जीआई मोर्टैलिटी है, जो हमारे स्टमक की, नॉट फॉर स्टमक की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की जो मोर्टैलिटी है, ये सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिंपैथेटिक से कंट्रोल होती है। जो आपका पीएनएस है वो मोर्टैलिटी को इंक्रीज करता है और जो आपका सिंपैथेटिक है ये डिक्रीज करता है। तो डायबिटिक डायरिया में क्या होता है, वहां पर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स हैं जो जीआई ट्रैक की मोर्टैलिटी को डिक्रीज करते हैं, वो क्या होता है कि वो डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से वहां पर क्या होता है, रिलेटिव पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू डायरिया। तो आपने देखा कि जो पेशेंट डायबिटिक है एक स्टेज के बाद उसको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है उसके सिस्टम में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी वजह से रिलेटिव पैरासिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट अल्टीमेटली इंक्रीज द मोर्टैलिटी ऑफ जीआई ट्रैक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया। तो ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटिक डायरिया क्यों होता है, या जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटिक है उनको आगे चल के डायरिया होने के जो रीजन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इन केसेस में जो जो डीओसी रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, वो क्लोनिडिन रहती है। ठीक है, आप आगे चल के आपको बताऊंगा कि और किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है क्लोनिडिन का और हम क्यों ये बेसिकली डायबिटिक डायरिया में देते हैं। थैंक यू।